ओके, ये हमने फिजिक्स की ब्रांचेस पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन आवर डेली लाइफ। क्या हमारा टॉपिक आज? इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन आवर डेली लाइफ, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में फिजिक्स की क्या अहमियत है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में। तो डियर स्टूडेंट्स, देखें जो भी हम अपनी इस आम जिंदगी में हम कहीं पे भी नज़र डालेंगे तो हमें कई किस्म की दीवारें नजर आएंगी, या फिर हम देखेंगे हम इस रूम में, हम इस क्लास में अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फैन लगा हुआ है, बल्ब लगे हुए हैं, घर में चले जाएंगे वहाँ पे रेफ्रिजरेटर में मिलेगा, जूसर्स मिलेंगे, ग्राइंडर्स मिलेंगे, तो ये सारे क्या है? ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं। तो ये चलते किसके बुनियाद पे? ये फिजिक्स के लॉज के ऊपर ये काम करते हैं। और सेट के अगर बाहर चले जाएं, बाहर देखेंगे हमें ट्रांसपोर्टेशन में, जैसे कि पहले हम एग्जांपल आपको दे चुके हैं कि जैसे हम बाहर जाएंगे रेलगाड़ी है, बाइक है, या फिर कार वगैरह है, जो भी गाड़ियां हैं, ये क्या करती हैं? ये फिजिक्स के, ये भी फिजिक्स के लॉज के ऊपर काम करती हैं। अब देखें गाड़ी क्यों चलती है, गाड़ी इंजन की वजह से चलती है। अब इंजन खुद कैसे काम करता है? इंजन काम करता है लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के बुनियाद पे, तो ये भी फिजिक्स का पार्ट हो गया। इसके अलावा अगर हम रेडियो को सुनेंगे, रेडियो की तरफ अगर चले जाए, रेडियो को सुने कर या फिर टेलीविजन को भी सुनते हैं, या फिर जैसे हम ये जो हमारा लेक्चर ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये भी फिजिक्स के बलबूते पे ये काम कर रहा है। इसके पीछे जो इसके जो बैकबोन है, इसके जो पीछे जो चीज़ है ना, वो कहते हैं पर्दे के पीछे क्या है, इस पर्दे के पीछे भी फिजिक्स ही है। तो फिजिक्स की हमारी डेली लाइफ में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट है फिजिक्स की, ये फिजिक्स की इंपॉर्टेंट है इन आवर डेली लाइफ। तो हमने ये यहाँ पे कंप्लीट कर ली। अब आगे करके हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइंटिफिक मेथड। व्हाट इज साइंटिफिक मेथड? अब देखें हम तीनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलेंगे कि बायोलॉजी में साइंटिफिक मेथड क्या है, केमिस्ट्री में साइंटिफिक मेथड क्या था, और फिजिक्स में साइंटिफिक मेथड क्या है। जो बायोलॉजी में साइंटिफिक मेथड होता है उसको कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो जाहिर सी बात है जब किसी भी जब इंसान की नॉर्मल फिजियोलॉजी में कोई भी चेंज आएगी तो प्रॉब्लम ही होगा ना, तो जब बायोलॉजी में उसको पढ़ेंगे तो फिजिकल बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा। केमिस्ट्री में ये साइंटिफिक मेथड था, फिजिक्स में भी साइंटिफिक मेथड है। अब ये साइंटिफिक मेथड चीज क्या है? व्हाट इज साइंटिफिक मेथड? साइंटिफिक मेथड ये एक ही है जो कि हमने केमिस्ट्री में साइंटिफिक मेथड पढ़ा था, यहाँ पे भी साइंटिफिक मेथड ही काम करेगा। साइंटिफिक मेथड में जो पहला स्टेज होता है वो है ऑब्जर्वेशन का होता है। क्या होता है पहला स्टेज? वो है ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि जो भी फिजिस्ट होता है वो क्या करता है, चीजों को ऑब्जर्व करता है, देखेगा चीजों को। फॉर सपोज हमारे सामने गाड़ी खड़ी की गई है, गाड़ी हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। ओके, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन करेंगे, देखेंगे ये गाड़ी है, इसके इतने टायर है, इतने इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, ये इसका पर्पज के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये सब ये सारी हमारी क्या हुई? ये हुई हमारी ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन के बाद का जो स्टेप होता है ना, वो होता है हाइपोथेसिस। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? वो होता है हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या है? व्हाट इज हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस को कहा जाता है इट इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट। टेंटेटिव स्टेटमेंट से क्या मतलब है बेटा? टेंटेटिव स्टेटमेंट को हम उर्दू में देखें कहते हैं तुक्का। क्या? तुक्का। अब तुम देख रहे हैं, चले गाड़ी का हमें पता चल गया, हमने ऑब्जर्वेशन मुकम्मल कर ली, गाड़ी की ये गाड़ी है, इसके चार टायर हैं, ये चलती है, ये क्या है, ये हमने ऑब्जर्व किया था। अब हम क्या करें? तुक्का लगाएंगे तो ये गाड़ी चल रही है, ये क्यों चल रही है? अब हम तुक्का लगा जा रहे हैं इस, ये पानी पे चल रही है, इसका मतलब क्या है, क्यों चल रही है? ये जो चलने की वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये हम कर रहे हैं हाइपोथेसिस दे रहे हैं। अब यहाँ पे जो फिजिस्ट होगा वो हाइपोथेसिस देगा कि ये गाड़ी क्यों चल रही है, कैसे चल रही है, उसको पता चलेगा कि ये गाड़ी चल रही है। अगर हम फिजिस्ट होगा तो वो कहेगा ये गाड़ी चल रही है इंजन की वजह से चल रही है। अब वो जो इंजन की वजह से चल रही है ना, उसको क्या करेगा? जाकर उसका एक्सपेरिमेंट करेगा। क्या करेगा? उसका एक्सपेरिमेंट करेगा। ये क्या करेगा कि ये इंजन निकाल के किसी दूसरी गाड़ी में डालेगा। कोई भी मकसद निकालने के लिए वो क्या करेगा? एक्सपेरिमेंट करेगा। उसका एक्सपेरिमेंट हो जाएगा।
जब वो एक्सपेरिमेंट करेगा इंजन का, ये इंजन इस गाड़ी से निकाल के दूसरी गाड़ी में लगाएगा और अगर वो गाड़ी चलने लग जाएगी तो ये बंदा क्या करेगा, ये बंदा नतीजा निकालेगा, क्या करेगा ये बंदा, ये जो फिजिस्ट है ये रिजल्ट निकालेगा, जो गाड़ी की मोमेंट थी, जो गाड़ी चल रही थी, गाड़ी की चलने की जो वजह थी, वो वजह क्या थी, वो वजह थी इंजन, जो कि उसने पता लगाया था किसमें, एक्सपेरिमेंट में। अब उसने एक्सपेरिमेंट से पता लगा लिया कि ये गाड़ी चल रही है इंजन की वजह से, तो उसने रिजल्ट निकाल दिया, रिजल्ट ये निकाला कि इंजन लगा हुआ है तभी गाड़ी चल रही है। अब उस रिजल्ट को लेकर ये क्या करेगा, वो आगे चल के बनाएगा छुरी को, ओके, क्या करेगा वो आगे चल के छुरी बनाएगा। अब जब छुरी बन गई तो छुरी में होता यह है कि जो एक्सपेरिमेंट के बाद रिजल्ट निकलता है, रिजल्ट के बाद छुरी, अब छुरी में ये फिजिक्स ये पेगा कि ये इंजन है जो कि लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक पे काम करता है, जो कि उसने एक्सपेरिमेंट में सारी जांच पड़ताल करवा ली थी, तो अब वो आके यहाँ पे मतलब छुरी देगा, छुरी में वो ये बताएगा कि ये इंजन है जो कि लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक पे, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक पे काम करता है। अब जो ये इंजन है इस गाड़ी से निकाल के किसी भी गाड़ी में लगाओगे, किसी भी गाड़ी में लगाओगे, किसी भी ट्रेन में लगाओगे, या फिर ये उठा के एयरप्लेन में भी लगाओगे, तो वो क्या करेगी, चीज मूव करना स्टार्ट हो जाएगी, तो ये बन जाएगी यहाँ पे छुरी। तो बेटा इसमें से कोई भी ऑप्शन, अगर किसी भी चीज का करेक्ट आंसर नहीं आ रहा, ये सीक्वेंस है जो कि आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिल, मतलब सिंटेक्स बुक में तो ये अवेलेबल नहीं है, सीक्वेंस ये ऐसे अवेलेबल नहीं है, वो आप जस्ट हाइपोथेसिस के बाद एक्सपेरिमेंट कर चुके, ये दिया गया है, ओके। अब जब वो बंदा थ्योरी दे देगा, थ्योरी में वो जब फिजिस्ट बताएगा कि कोई भी गाड़ी जिसमें इंजन मौजूद है, क्या मौजूद है, इंजन जिसमें मौजूद है वो गाड़ी मूव कर सकती है, वो गाड़ी चल सकती है, तो उसने यहाँ पे थ्योरी में आके बता दिया। अब थ्योरी, अब होता क्या है कि थ्योरी काफी मरतबा गलत भी हो जाती है, थ्योरी गलत भी साबित होती है। अब कोई एक और बंदा आ जाएगा कहता नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, बिना इंजन के नहीं चल सकती गाड़ी, बिना इंजन के भी गाड़ी चल सकती है, बंदा कह देगा, वो बात तो करेगा, हालांकि बिना इंजन के गाड़ी नहीं चल सकती, मतलब वो कोई ना कोई स्टेटमेंट, वो कोई ना कोई थ्योरी लेके आएगा इस थ्योरी को गलत साबित करने के लिए, इसको इस थ्योरी को काउंटर करने के लिए। जरूरी है कि आपके पास इससे भी बेहतर थ्योरी होनी चाहिए, जैसा कि अर्थों की बात की जाती है कि अर्थों का एक अपना विजन था, अर्थों का अर्थों की एक अपनी थ्योरी थी वुमेन्स के हिसाब से, वो कहता है कि जो वुमेन है वो बिल्कुल अलग है, वुमेन ऐसी होनी चाहिए, वुमेन वैसी होनी चाहिए, वुमेन का दिमाग कम होता है, मतलब काफ़ी सारी बातें अर्थों ने की थी, वो क्या थी उसकी थ्योरीज थी। अब ग्रेजुअली वो थ्योरीज क्या हो रही है, वो थ्योरीज डिनाई की जा रही है, जैसे फेमिनिज्म मूवमेंट आ गई है, फेमिनिस्ट आ गए, तो ये जो फेमिनिस्ट है इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, वुमेन इज इक्वल टू मैन, इस्लाम की बात है, खैर वो हमारा टॉपिक नहीं है, हम जिस थ्योरी की बात करें कि थ्योरी कैसे रिजेक्ट होती है, या इस थ्योरी की रिजेक्शन बता रहे हैं कि बायोलॉजी में क्या हुआ था, जो सेल थ्योरी पहले दी गई थी, उस सेल थ्योरी में तीन पॉइंट थे इंपॉर्टेंट, तीन पॉइंट थे सेल थ्योरी के, उसमें जो तीसरा पॉइंट था ना वो क्या था, वो ये था कि सेल इज अ डायनेमो स्ट्रक्चर, तो सेल थ्योरी में ये कहा गया था कि सेल डायनेमो स्ट्रक्चर है, डायनेमो स्ट्रक्चर से मुराद है सेल किसी भी नॉन लिविंग चीज से सेल बनता है, तो आगे चल के उसको रोडोल्फ बोशो के नाम का बायोलॉजिस्ट था, उसने इस स्टेटमेंट को मतलब करेक्ट किया, उसने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, सेल किसी नॉन लिविंग चीज से नहीं बनता, बल्कि सेल प्री एग्जिस्टिंग डिवाइडिंग सेल से बनता है, जो सेल पहले, जैसे कि रोडोल्फ बोशो ने कहा था, जो भी सेल पहले डिवाइड होता है, जैसे कि सेल की डिवीजन होती है, डिवीजन के दो टाइप होते हैं जिसको माइटोसिस और मियोसिस कहते हैं, अब ये सेल जब डिवाइड होगा तो दो डॉटर सेल बनेंगे, कहते हैं ये जो डॉटर सेल बने ना, ये सेल ये जो दो सेल बने ये प्री एग्जिस्टिंग डिवाइडिंग सेल से ये सेल बने, तो इस स्टेटमेंट की वजह से सेल थ्योरी में थोड़ी चेंजेस ला दी गई, तो इसका कहने का मतलब ये कि थ्योरी कभी कभार गलत भी साबित हो सकती है, उसको मॉडिफाई किया जाता है। जब थ्योरी बन गई, थ्योरी के बाद का जो स्टेज है वो है लॉ, फिर तो वो कानून बन जाता है, और
और ला के बाद का जो फाइनल वाला स्टेज है वो है प्रिंसिपल। लॉज में जैसे लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स में पढ़ लेते हैं, थर्मोडायनामिक के लॉज आ जाते हैं, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, तो इसका ये एग्जांपल है। तो फिजिक्स में भी काफी सारी थ्योरीज भी हैं, काफी सारे लॉज भी हैं, और फिजिक्स में एक और थ्योरी थी जो कि रिजेक्ट की गई थी, वो ये थी कि लाइट के नेचर के हिसाब से थी। पहले पहले फिजिक्स जो लाइट के हिसाब से कहा जाता था, कहा जाता था कि लाइट इज एयर, व्हाट लाइट इज मतलब लाइट को पार्टिकल कहा जाता था। तो बाद में आगे आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी दे दी, आइंस्टीन की थ्योरी के मुताबिक लाइट के क्या हो दो नेचर हुए, वो कहते हैं नहीं नहीं लाइट सिर्फ पार्टिकल नहीं है, लाइट पार्टिकल भी है, वेव भी है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो थ्योरीज हैं, थ्योरीज भी कभी कभार गलत हो सकती है, थ्योरी को रिजेक्ट भी किया जाता है, थ्योरी अगर थ्योरी एक्सेप्ट की जाती है तो उसकी एक्सेप्टेंस के बाद वाला जो बनला है वो ला। तो ला जैसे हमने फिजिक्स में पढ़ेंगे लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ओके, ये भी फिजिक्स के अंदर आता है, उसके बाद आता है प्रिंसिपल। जब बात प्रिंसिपल पे आ जाती है तो इस चीज को कोई डिनाय नहीं कर सकता, प्रिंसिपल फाइनल स्टेज है किसका, साइंटिफिक मेथड का। तो ये था साइंटिफिक मेथड फिजिक्स का, और आगे हम बढ़ते हैं।